श्रेयस अय्यर के इंजेक्शन ने टीम इंडिया की परेशानी बढ़ा दी है। उनका अब एशिया कप 2023 में खेलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। दरअसल इस साल के शुरुआत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उनकी पीठ में चोट लग गई थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई। चोट के चलते अय्यर न तो आईपीएल खेल पाए और न ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। वहीं अय्यर अब रिकवरी कर रहे हैं और फिलहाल बेंगलुरु में एनसीए में रिहैब पर हैं। मगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उनकी पीठ में अभी भी परेशानी है। रिपोर्ट के अनुसार एनसीए में अय्यर ने अपने बैक पेन के लिए लिया था। उनकी पीठ में अभी भी दर्द है। अप्रैल के समय लंदन में अय्यर की बैक सर्जरी भी हुई थी और सर्जरी से पहले वो भारतीय वनडे टीम का हिस्सा थे। चोट के चलते वे वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें मैच फिटनेस हासिल करने में करीब 3 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। यानी उनका सिर्फ एशिया कप खेलना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कप खेलना भी मुश्किल लग रहा है। एशिया कप 31 अगस्त से 27 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, जो अक्टूबर से नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 से पहले एक बड़ा इवेंट होगा। हर टीम एशिया कप को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से देख रही है। जहां अय्यर का आने वाले कुछ महीनों में वापसी करना मुश्किल लग रहा है, वहीं जसप्रीत बुमराह वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वो आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। वैसे अय्यर के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।